हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अनबॉक्स एंड रिव्यू करने वाले हैं योनेक्स का स्ट्रॉक्स अटैक 9 बैडमिंटन रैकेट। तो ये काफ़ी पॉपुलर रैकेट है और वन ऑफ द चीपेस्ट बैडमिंटन रैकेट है बाय योनेक्स। इसकी स्पेसिफिकेशन क्या क्या है, तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है 4U एंड G4। 4U हमारा वेट शो करता है और G4 हमारा ग्रिप साइज के लिए होता है। तो G4 ग्रिप साइज है जो कि आमतौर पर 3.3 इंचेस के आसपास होती है और 4U हमारा वेट होता है 80 से 84 ग्राम्स के आसपास। यूजली 80 से 84 ग्राम्स के आसपास सिंगल्स बैडमिंटन प्लेयर्स के लिए रैकेट बना होता है। ये रैकेट मेड इन इंडिया है, तो जी हाँ, इंडिया में बना हुआ है और इसकी पूरी बॉडी ग्रेफाइट के मटेरियल से बनी है और जो इसका वेट है वो 80 ग्राम्स के अराउंड है। और ये एक हेड हैवी बैडमिंटन रैकेट है, जिसका मतलब उसका जो वेट कॉन्सेंट्रेटेड होता है वो उसके हेड में होता है, जिसकी वजह से आपको काफी पावरफुल स्मैश मिल सकते हैं इस रैकेट से। और इसकी लेंथ 10 mm लॉन्गर है एज कम्पेयर टू अदर रैकेट, तो इसकी लेंथ थोड़ी ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर रैकेट। और इस पर लिखा हुआ हाई फ्लेक्स। हाई फ्लेक्स बैडमिंटन रैकेट वो होते हैं जिनका शार्प काफी अच्छा स्विंग देता है, जिसकी वजह से आप अपनी शॉट्स में काफी अच्छी पावर जनरेट कर सकते हैं। और जो इसके साथ कवर मिला हुआ है वो भी काफी क्वालिटी का है, उसमें जो चेन्स लगे हुए हैं वो भी अच्छी क्वालिटी के, बाहर एक टेक्सचर सा मटेरियल है और अंदर एक शाइनी प्लास्टिक का मटेरियल है, जिसकी वजह से ये वाटरप्रूफ भी होता है। तो मैं कहूंगा ओवरऑल काफी अच्छा इसमें कवर भी मिला हुआ है। इसके कवर पे स्टिकर लगा हुआ है जिसपे MRP लिखा हुआ है ₹2,690 और मॉडल का नेम लिखा हुआ है योनेक्स स्ट्रॉक्स अटैक 9। मैन्युफैक्चर इसमें डेट पड़ी हुई है अगस्त 2024 की एंड कंट्री ऑफ ऑरिजिन है इंडिया। तो अब इसकी स्ट्रिंग देख लो कैसी साउंड करती है जब आप खरीदोगे, तो अराउंड 17 to 18 mm के आसपास इसकी स्ट्रिंग लगी होती है, जो कि काफ़ी लूज होती है जो बैडमिंटन में लग के आती है। अब चलते हैं बैडमिंटन कोर्ट पे, वहाँ पे कुछ टेस्ट करते हैं, रैली बना के देखते हैं कि इसकी पावर कैसी है, इसमें फील कैसा आता है। तो इसका MRP आपको ₹2,690 है, लेकिन अगर आप इसको ऑनलाइन लेंगे तो आपको अराउंड 1500 के आसपास मिल जाएगा। अमेजोन पे अभी ₹1,489 का दिखा रहा है, जबकि फ्लिपकार्ट पे ₹1,499 का दिखा रहा है, तो अराउंड ₹1,500 के आसपास इसका मिल जाएगा आपको। अब आ जाते हैं हम इसके कंक्लूजन में। स्ट्रॉस सीरीज जो योनेक्स बना वो काफ़ी फेमस है अपने लाइट वेट एंड पावरफुल स्मैशेस के लिए। 21 आई 27 आई, तो मुझे लगता है कि योनेक्स की तरफ से वन ऑफ द चीपेस्ट बैडमिंटन रैकेट है स्ट्रॉक्स अटैक 9। किन प्लेयर को ये रैकेट लेना चाहिए, जो बिगनर प्लेयर है जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें चाहे वो एक किड हो सकता है या फिर एक एडल्ट भी हो सकता है स्टार्ट कर रहा है अपना करियर या खेलने के लिए, तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी चॉइस हो सकती है। या जो इरेगुलर खेलते हैं, कभी कभी खेलते या पार्क में खेलते हैं, उनके लिए भी काफी अच्छी चॉइस है। अगेन लुक्स में मैं इसको 10 out of 10 दूंगा, काफी अच्छा लुक्स में इन लोगों ने डिजाइन किया है। और अगर इसके आप में स्ट्रिंग लगवानी है तो आप इसमें BG65 लगा सकते हैं। 23 से 24 LBS में आपको रिकमेंड करूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे लगा रैकेट का ड्यूरेबिलिटी थोड़ी लो है एज कम्पेयर टू अदर रैकेट्स जो 1500 के आसपास आते हैं, मुझे लगा उसके हिसाब से इसकी ड्यूरेबिलिटी थोड़ी कम है। इन ओवरऑल बाकी पॉइंट्स में आप चेक करोगे तो वहां पे अच्छा है। मैं आपको एक फाइनल कंक्लूजन बता देता हूँ किन प्लेयरों को लेना चाहिए या फिर कैसा रैकेट है। एक काफी डिसेंट रैकेट है, प्राइस के हिसाब से 1500 के हिसाब से काफी अच्छा रैकेट है, लुक्स में काफी अच्छा है, और जो प्लेयर्स हैं या फिर जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं करियर वो इसको ले सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।